नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को एमजी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किए, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि ललित कला महोत्सव कार्यक्रम के तहत चल रहे 4 दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रतियोगिता से बच्चों को बड़े प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चों का माइंड तेज होता है और उनको एक नया रास्ता मिलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, 16 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर आज संपन्न हो रही है। राम नारायण लाल जी, हर नारायण लाल जी, प्रकाश नारायण लाल, श्री कृष्ण जी, सर्व श्रीवास्तव से उच्च अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य अतिथि माननीय गंगादयाल श्रीवास्तव जी, सोसाइटी के सचिव माननीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी, प्राचार्य प्रधानाचार्य रामनारायण लाल कन्या इंटर। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य जी कॉलेज रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सुभाष जी के द्वारा उद्घाटित किया गया, आज उसका समापन का दिन है, पुरस्कार वितरण का दिन है और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इस जनपद के नहीं बल्कि मंडल के शिक्षा प्रशासन के अगुआ माननीय योगेंद्र नाथ सिंह जी, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल के पद पर आसीन है, और यह तो पद की बात है, मैं उनके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कम समय की सूचना पर बनारस से उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद की प्रतियोगिता प्रांत स्तर की 10 से 15 दिसंबर तक 15 को खत्म हुई और 16 से यह ललित कला प्रारंभ हुई, और आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 18 मंडल और लगभग 2000 से ज्यादा खिलाड़ी, पहले कहीं पे भी उन खिलाड़ियों को भोजन की व्यवस्था नहीं दी जाती थी, योगेंद्र नाथ सिंह जी ने अपने नेतृत्व में अपने देख रेख में उन बच्चों को, प्रदेश के स्कूली माध्यमिक बच्चों को अपने परिवार का बच्चा समझ के उनके लिए जो सुख सुविधाएं जुटाई हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा उस दिन मंच पर हुई, और माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और अध्यक्षता कर रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी साहब ने आपको मंच से साधुवाद दिया। मैं भी उस लोभ को, चूंकि वहां मुझे सम्मान के लिए आपने बुलाया था, ये मेरे मन में था कि ऐसे व्यक्ति से हम गोरखपुर जनपद के विद्यालयों को सीखना चाहिए, हम प्रबंधक गण को, प्रधानाचार्य गण को सीखना चाहिए। दिव्या कुमारी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल की हैं दिव्या कुमारी। जी, जो भी पुरस्कार लेने आए वो मुख्य अतिथि के बाईं ओर खड़े हो लें ताकि फोटोग्राफर फोटो। इंटर कॉलेज
प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने। प्रश्न गुणतम प्रश्न जिसे हम कहेंगे वह पूछता है। अजीत यादव सांत्वना पुरस्कार मिला है एमजी इंटर कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर विमेन नाजिया खातून सुम्बुल फातिमा सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर विमेन तृतीय स्थान सरिता प्रजापति। अभी मैंने कहा था जो आप देंगे वह अपने लिए भी आपको मिलेगा। प्रथम स्थान पर है सांभवी श्रीवास्तव सेंट्रल पब्लिक स्कूल गोरखपुर। मंच के बाईं ओर खड़े होते जाएं, एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। सबसे प्रतिभागियों को भी पुरस्कार मिला। डिवाइन पब्लिक स्कूल अनाया सिंह डिवाइन पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ये भी है और प्रियांशी गुप्ता एनई रेलवे गोरखपुर पब्लिक स्कूल गोरखपुर। ताली बजनी चाहिए बच्चों। वरिष्ठ वर्ग में तृतीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा मुझे समझ माध्यमिक में डॉक्टर राजेश जी वर्ग में 6 से 8 तक डीएन नेशनल पब्लिक स्कूल और तृतीय स्थान प्राप्त किया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सेंसर हाउस जो प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत आर्यन गुप्ता। ललित कला के नाम से 4 दिन का कार्यक्रम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के तत्वावधान में जो ये मैनेजमेंट की एक 4 विद्यालयों की कड़ी है उसमें रामनारायण विद्यालय भी सम्मिलित है उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ और इस पर बच्चों ने जो भी अपना मुकाम बनाया है जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं उनको ये विद्यालय सम्मानित कर रहा है पुरस्कृत कर रहा है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात विद्यालय परिवार के साथ साथ बच्चों के लिए नहीं होगी। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि बच्चों ने इसमें प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया और उन्होंने पुरस्कार जीता है।